क्या हो गया रानी? मैं हूँ समीर। समीर बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर गई तुम? मतलब अगर तुम डर गई थी तो फिर तो मेरे फ्रेंड्स भी डर जाएंगे। क्यों डराना है आपको ने? अरे मेरा हैलोवीन का गेटअप है, 2 हफ्ते बाद हैलोवीन पार्टी है। मैं यही कॉस्ट्यूम पहन के अपने दोस्तों को डराना चाहता हूँ। कैसा है ये हैलोवीन? क्या होता है? सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, रहने दो तुम। समीर बाबा, मुझे सब पता है, आप ही कर रहे हैं। अब मैं डरने वाली नहीं। अरे रानी, क्या हुआ? ध्यान किधर है तुम्हारा? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्या कहूँ बेगम साहिबा, अच्छा खासा सो रही थी कि समीर बाबा ने आकर डरा दिया, फिर रात भर नींद ही नहीं आई। एक तो ये समीर भी ना, इसकी पता नहीं मजाक करने की आदत कब जाएगी। हॉरर फिल्में देख देख कर इसका दिमाग भी शैतानी हो गया है। चाय लेके आओ, तुम जाओ। This is not funny at all, हाँ? समझाओ अपने बेटे को, इन मुलाजमों के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। You should grow up now. Come on, हामिद, कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह अपने बेटे को जानते हैं। वो रानी के साथ किसी गलत इंटेंशन से मजाक नहीं करता, उसकी शुरू से यही आदत है। और रानी इस घर की बेटी है, वो इसको बहनों की तरह समझता है। I know. लेकिन देखो, शरारत और हंसी मजाक ना एक उम्र तक अच्छी लगती है, समझी? जी जी, समझती हूँ। Anyways, छोड़ो। है कहाँ बरखुरदार भाई, सो रहे हैं अभी तक? अरे यार, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, उससे कहो सुबह उठ जाए, करे मेरे साथ दुकान पे चला करे। दुकान भी चला जाएगा, अब सारी उम्र उसने कारोबार ही संभालना है। अभी उसे जिंदगी एंजॉय करने दे, यही तो उम्र है उसकी। तुम्हारे इसी एटीट्यूड ने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ के रखा हुआ है। खैर, बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। बिगड़ा हुआ नहीं है? ला भाई चाय दो। जाते हुए देर तो नहीं हुई? नहीं, बस 30-40 मिनट्स लेट हैं आप। बस इसके बच्चे, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, कितनी कॉल्स किए मैंने। एक मिनट भी और लेट होते ना तो मैंने चले जाना था यहाँ से। यार तुम्हें तो पता ही है कराची का ट्रैफिक। जी, मैं भी उसी ट्रैफिक में से आई हूँ, कहीं और से नहीं आई, लेकिन टाइम पे पहुंची हूँ। अच्छा छोड़ो ना, ऑर्डर किया तुमने? कर दिया। मुझे पता था तुमने लेट होना, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, बिकॉज मुझे भूख लग रही थी। गुड, अच्छा किया। By the way, looking so beautiful today. ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आंटी से बात की तुमने या नहीं की? यार सच पूछो, अभी तक तो नहीं। तुम्हें कब करनी है बात? तुम्हें पता है अम्मी बाबा ने हैदराबाद से आते साथ ही मुझे शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है ना, वो बिना भूखों का बेटा बाबा को बहुत पसंद है यार। वो कहीं मेरी शादी उससे ना करवा दे, फिर बैठे रहना तुम। ऐसी शादी करवा देंगे? इतनी भी लुट नहीं मची हुई, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मैं हूँ। कोई फूफो चाचा का लड़का नहीं। Is that understood? बात उसी के लिए तामी नहीं होती, प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है, समझे? ओके, मैं आज ही विनेश से बात। विनेश कौन? ओहो, तुम्हारी वो कजिन, उससे क्यों बात करोगे? ताकि वो मामा को कन्विंस करे हमारे बारे में। देखो मामा उसको कभी नहीं डालती, बिकॉज मामा की फेवरेट है। और तुम्हारे पापा का क्या होगा फिर? पापा का चिल प्रोग्राम है यार, असल घर की प्राइम मिनिस्टर मामा है। अगर वो मान गई तो पापा भी मान जाएंगे, फिर उनकी क्या मजाल के वो कुछ बोले मामा के आगे।
ठीक है, मैं जो भी करना है जल्दी कर लूँ, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। के बॉस, मैं अभी यहाँ से जाके बीनेश से बात करता हूँ। वेटर, ऑर्डर कहाँ है यार? वैसे एक बात हूँ बीनेश। जी भाभी, बोले। अगर समीर तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है तो तुम कह दो। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब बस खुद ही कह दूँ। देखो, अच्छा लड़का है, सबसे बढ़कर के इकलौता है, सारी जायदाद का अकेला वारिस, और उसकी माँ, उसकी तो तुम पहले से ही लाडली हो। शादी के बाद भी वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि भांजी ही समझेंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अब वक्त जाया ना करो तुम। वो बात ठीक है आपकी भाभी, लेकिन मैं समीर से इसलिए मोहब्बत नहीं करती कि वो इकलौता है और जायदाद का वारिस है। I love him because he deserves to be loved and he's so caring, understanding. जब ही तो उससे मोहब्बत हो गई मुझे। वो सब तो ठीक है, मगर अब तुम्हें वक्त जाया किए बगैर अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी शादी की बात मुझसे एक दो बार कर चुके हैं। अरे, ये कौन आ गया? समीर आया होगा। समीर आया होता तो तुम्हें कॉल या मैसेज तो करता। हाँ, जैसे पहले तो बहुत बार वो कॉल मैसेज करके आया है ना। तुम रुको, मैं देखती हूँ। जाहिर भाई कब तक आएंगे? जाहिर है, शाम को ही आते हैं। और सुनाओ, क्या चल रहा है? Nothing special. Wardrobe ठीक कर रही थी बस। अच्छा, ऐसे काफी दिनों से तुम्हें घर चक्कर नहीं लगा? तमहीद क्यों बांध रहे हो? जो कहने आए हो वो कहो। Well, बात तो सच है, आया तो मैं कुछ कहने ही हूँ। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, साथ पले बड़े हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए मैं अपने दिल की हर बात तुमसे कर लेता हूँ, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो क्या? दरअसल ना, मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। इनफैक्ट प्यार करता हूँ उससे। ओह, अच्छा जी, तो ये बात कहने के लिए इतनी तमीज बांधी जा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मामा से इस बारे में कैसे बात करूँ। मम्मा से बात करने से पहले उसे तो बताओ जिससे प्यार करते हो। She already knows. तो यानी मौसूफ मुझसे प्यार भी करते हैं और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पहले से ही मालूम हो। भाई, एक बार मुंह से भी कह दो, इजहार कर दो, अच्छा लगेगा हमें भी। क्या सोच रही हो तुम? अब कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सोच रही थी। बस यार, तुम कल रेडी रहना, एक दफा तुम उस लड़की से मिल लो और उसको पास कर दो, फिर मामा से भी बात कर लेना।
अगर मैंने उसे पास ना किया तो? तुम उसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती यार, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। इनफैक्ट तुम ये समझो कि वो तुम ही हो। मैंने तो कब से यही समझ रखा है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अभी तो आए थे। कल आऊंगा ना, तुम्हें फोन करूंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है? चलो तो ठीक है, बाय बाय। अरे ये समीर कहाँ चले गया? भाभी, I'm so happy. भाभी, डराए आप? भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ, जो बात मैं समीर से कहना चाहती थी वो उसने मुझे खुद कह दी। क्या? यही कि वो मुझे पसंद करता है। सच्ची? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था, वो मुझे कल मुझसे खुद ही मिलवाने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं। माय गॉड, और कल वो मुझे प्रपोज करने वाला है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब कुछ इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी। Oh my God! I can't believe it. जी मामा, आइए बैठिए। एक बात कहूं बेटा, अब घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करो। पहले तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का बहाना था, मैंने कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तो तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गए और तुम्हारे पापा मुझे रोज बातें सुनाते हैं। इन सब बातों में मामा उन्होंने एक ही बात की है कि मैं दुकान ज्वाइन कर लूं, राइट? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज कुछ नहीं है मामा, अब आपको पता है एंड ऑफ द डे मैंने ही दुकान ज्वाइन करनी है। लेकिन मामा आप भी समझें, मेरे मौज मस्ती करने के दिन है, थोड़ा तो मुझे भी एंजॉय करने दें। बेटा मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है। क्या मामा, आप भी पापा की जुबान बोलने लगे? तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे बाबा आ गए, मैं जाके दरवाजा खोलूं। चल बेटा, इससे पहले कि पापा भी यही टॉपिक छेड़ दें, चुपके से अपने रूम में चला जाओ। हेलो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी तो फोन कर लेती। जी मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी और साथ ही तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा सुनो, कल दोपहर में हम मिल रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे घर? अरे नहीं, उसी रेस्टोरेंट में। यार हम कब तक बाहर मिलते रहेंगे? मुझे अपने घर लेके जाओ, अपनी मामा से मिलवाओ ताकि बात तो आगे बढ़े। बात बढ़ाने के लिए तो मिल रहे हैं। मतलब? तुम्हें बताया था ना विनेश्वर। एक तो पता नहीं हम दोनों के बीच में ये विनेश कहाँ से आ जाती है। अरे विनेश ही तो हम दोनों को मिलवाएगी। She'll be my spokesperson। वही तो बात करेगी मामा से। खैर, अब जितना विनेश का नाम सुन चुकी हूँ, मुझे लगता है सच में उससे अब मिलना ही पड़ेगा मुझे। तुम देख लेना, तुम्हें भी विनेश बहुत पसंद आएगी। ये तुम्हें भी का क्या मतलब है? हाँ अच्छा छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं।
चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। देखो तो सही है। मैं हूँ रानी बेगम साहिबा। रानी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं बाबा जी के दरबार गई थी आज, वहाँ से दम करवा कर लाई हूँ, और बाबा जी ने कहा था कि आधी रात को इस घर में ये दमवारी धूनी देनी है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसी की तो जरूरत है बेगम साहिबा। देखो रानी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी कि जब हमने ये घर खरीदा ये 10 साल पुराना था। प्रोफेसर साहब कहते हैं ये घर खाली नहीं होते, या तो इनमें नेक रूहें होती हैं या फिर बुरी। बसेरा है सदियों से कुछ नेक रूहों का यहाँ पर। लेकिन फिजा, तुम बिनिश को एक बार समझा देना कि अब वो बड़ी हो गई है, उसका इस तरीके से समीर के साथ बाहर अकेले घूमना कुछ मुनासिब नहीं है। वो बेगम साहिबा ने बताया, वो अक्सर कहा करती हैं कि उनको किसी प्रोफेसर साहब ने बताया है कि इस घर में नेक रूहें रहती हैं। दिखाई तो कभी नहीं दी, लेकिन महसूस बहुत बार किया है।